संगत ये सब्जेक्ट जो है विश्वास का है। योग योगी करते हैं, योग साधन करते हैं, बहुत अच्छा और होना चाहिए वो, पर अगर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं। खेल सब विश्वास का, विश्वासम फलदायकम। अब आज का आदमी पढ़ा लिखा है, ब्लाइंड फेथ करेगा नहीं, वो अंधविश्वास नहीं रखेगा, विद्वान है, बुद्धि है, तो वो ऐसा ब्लाइंड फेथ कर नहीं सकता। किसी आदमी को भगवान मानने में उसको अड़चन है, क्या अड़चन है? उस जैसा ही तो है, ह्यूमन वीकनेस तो सब में है, तो नज़र वीकनेस पर चली जाती है और वो विश्वास कायम नहीं रहता। अगर विश्वास बन गया तो बहुत आसान बात है, पर ये विश्वास आज के पर ही था, जो कथा कीर्तन कहा जाता है वो बात विश्वास दिवाई और वो ठीक है। गरुड़ पुराण बोले, गरुड़ पुराण के अंदर बताते आदमी मरता उस वक्त पुराण बताए कि कहाँ कहाँ जाता है, कैसे वो ऊंची गति में प्राप्त होता है। तो उधर बोलते काग भूसंडी जी ने ये कहा, ऐसा कहा, यानी कबू से उनसे सब की बात को मानते थे और वो भी मानते हैं, पर आज का आदमी मानने के लिए तैयार नहीं। एक दफे में कोई बैठा हुआ था हिसार में, सत्संग दे रहा था, तो एक वैज्ञानिक था, तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर होते 15 वैज्ञानिक, वो जाता था विदेशों के अंदर ये जीव वगैरह को देखने के लिए, नई नेशन पैदा करते हैं ये वो कर। तो मुझे कहने लगा, कैप्टन साहब आपके धर्म में गप्पोड़ा है सब ज़्यादा। वो कैसे? बोले बात सच्चे को नहीं। क्या बात है? बोले न्यू कैसे हैं कि वो वहाँ पर लक्ष्मण जी के कोई बाण लग गया था, तो बताया कि आप जा करके अगर कोई जड़ी बूटी ले आएँ वहाँ से पहाड़ से तो ये ठीक हो सकता है। तो जड़ी बूटी लाने के लिए चले गए और वहाँ गए तो उनको पहचान जड़ी बूटी की नहीं रही। तो क्या करा उसने, हनुमान जी ने कहते वो पहाड़ को उठा के ले आए। ये बात कुछ जतने वाली नहीं है। अगर उस समय का कोई बंदर अगर पहाड़ को उठा लिया तो कम से कम आज का कोई बांदरा एक दो जांड तो उठा लिया, वो बिल्कुल आप ठीक करें। तो बोले इसके बारे में आपको क्या कहना है? वैसे है वैज्ञानिक साहब कि ये जो पहली बात की जो कहते थे लोग विश्वास कर जाते थे और वो विश्वास से काम हो जाता था। अभी लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लो तुम्हारे को कोई डर नहीं लगा। क्यों? हनुमान जी बड़े ताकतवर थे, तुम्हारा रक्षक होंगे, और वो हनुमान चालीसा पढ़ते उनका काम होता है। ये शक्ति पहले भी इंसान मनुष्य में थी, अब भी मनुष्य के अंदर। फिर मैं उसको मिसाल दी कि आप जाते हो ना बाहर, जाता हूँ तो हार्बर जो होते हैं जहाँ जहाज टूकती हैं पानी वाली, उनमें देखते हो कि वहाँ पर जहाज जो होती हैं उनमें सामान ला ला के रखते हैं। वो किससे रखते हैं? बोले न्यू क्रेन से उठाते हैं, ला कर ऐसे रख देते हैं। तो शक्ति क्रेन में है क्या? थोड़ी देर जिस बोले और क्या उठा के ला के रख देता वो, और बाहर मुँह बोले बाहर वो निकाल देता। तो वो शक्ति क्रेन में नहीं, कुछ वो तो फौलाद है, वो बनाने वाला है वहाँ मनुष्य में, और उसने ऐसी चीज़ बनाई गई यहाँ से उठा के यहाँ रख देता। और जहाज खराब हो जाता तो उसको भी उठा के बाहर रख लेते। तो ये जिसने बनाया है उसमें शक्ति है और मनुष्य ने बनाया। बोले ये बात तो खैर ठीक मानूंगा मैं, तो ये बात पहले भी थी आदमी में शक्ति, वो कह दिया गया उस बहाने से मान लिया। अब जो सीधे आदमी मान लेते हैं, अभी आप जैसे आदमी मानते नहीं तो आप क्या है आपके लिए बताना मेरे को कि वो शक्ति उसमें। यह कैसे बताई मैंने मनुष्य के अंदर कि मैंने यह सबको धर्मकर्म की बातें अनुभव करी, सहज योगी हूँ, साधना भी करी और सब बातचीत देखी, और मेरे गुरु महाराज का जो वचन था गुरु महाराज की लाइन को समझा, तो मेरे को निश्चय यह हो गया कि यह शक्ति जो परमात्मा की है इस लोक में, अगर कहीं परमात्मा है तो मनुष्य में है। किस मनुष्य में? आप लोगों, ये जो है आप लोगों में। और ये बात मैं यहाँ ही नहीं कहता हूँ, यूनिवर्सिटियों में भी बताता हूँ, प्रोफेसरों को बताता हूँ, वकील भी पूछते थे हाई कोर्ट के, सेशन कोर्ट के सब जितने होते हैं, और जो जज हैं वो भी मानते हैं जो बात मैं करता हूँ। तो जो आस्था रखते हैं वो कहते हैं बिल्कुल ठीक करें आप। वो शक्ति जो परमात्मा की देखते हो, ईश्वर अंश है जीव उसके अंदर है, हर जीव के अंदर, और उसको ज्ञान नहीं, इसलिए दुखी है। मनुष्य को ज्ञान नहीं है इसलिए दुखी है, बाकी दुख नाम की चीज़ ही नहीं, क्योंकि इसको एक रामायण की चौपाई भी बता रखा है। अब सब हिंदू हैं,
रामायण नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, उसमें बता रखा है ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन विमल सहज सुख राशि सो माया बस बंधो गोसाई आप ही बंधो मरकट के नहीं। ईश्वर अंश है, चेतन है, विमल है, सहज है, सुख राशि है। तकलीफ क्या है? सो माया बस बंधो गोसाई, माया जो है नहीं भासती है, चीज़ है नहीं उसको सत समझता है। तो क्या है यहाँ पर माया? किस चीज़ को सत समझता है? कि जो कुछ देखते हो सब माया। मेरे अनुभव में आई कि जब आप आँख खोल के देखते हो सामने जो आती है सब माया है, यानी आज हर कल नहीं रहेगी, हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं। और जब आँख बंद करके अंदर ध्यान करते हो, योग साधना करते हो अंदर की तरफ, वो सब की सब माया है। तो असलियत क्या है? असलियत है इंसान के अंदर शरीर भी माया है, उसका शरीर भी सत्य नहीं है। ये बोल रहा है, ये है एक तत्व, कोई ऑर्गन नहीं है, ये बोल रहा है मेरे अंदर आप में सोच रहा है वो चीज़ है और वो आप हैं सब। और अब आपको पता नहीं होने के कारण कि मैं ईश्वर से हूँ दुखी है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो करोड़पति सेठ हो, चाहे वो प्रकांड पंडित हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी हो, मतलब वो सब का सब इस माया के अंदर सब माया को माया बह जाती है, यानी उसको पता नहीं चलता, अज्ञान है। तो जो कुछ देखता सिवाय उसके बोलने वाले के ईश्वर अंश है। इस लोक में अगर कहीं परमात्मा है तो मनुष्य में कहना है क्या? मैं जाता पूछता हूँ दूसरी जगह भी, इधर भी, कि आपने देखा ईश्वर यहाँ कहीं से ने? किसी को मिला है कोई ईश्वर? ये जो बनाया सब कुछ, गाड़ी घोड़े मकान दुकान, क्या कोई देखा किसी ने ईश्वर आते? मनुष्य ने बनाया। सच्ची पूछो तो मनुष्य को जो पैदा करने वाला वही मनुष्य ही है, तो मनुष्य के अंदर वो ईश्वर अंश है, वो है। और उसको इस बात का ज्ञान नहीं, ये ज्ञान न होने के कारण ये दुखी हो रहा है। तो दुख वाली बात मैं बाद में आपको बताऊंगा, मैं पहले ये बताता हूँ आपको। एक तो मान्यता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई बालाजी को मानता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये ईश्वर अंश आप हैं, आप में वो शक्ति है। आपने जो कुछ कराया मनुष्य ने कराया, यहाँ पर इस लोक में जो कुछ किया है मनुष्य ने किया, तो बात समझिए आप ईश्वर अंश हो, अज्ञान के कारण दुख है। तो एक तो मान्यता है, एक ने राम को मान लिया, एक ने कृष्ण को मान लिया, तो उसका काम राम से हो गया, कृष्ण मान लिया कृष्ण से हो गया, देवी को मान लिया देवी को हो गया। और उसके मंदिर बने हुए हैं साबूत ही इसका, ये मंदिर इसलिए बने हैं कि वो मानते हैं कि राम हाजिर है। अगर उनको ये मालूम है कि राम नहीं तो कोई मंदिर नहीं बनाएगा। और वो लाइक मूर्ति रख देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मत माथा टेकने जाते हैं और काम हो जाते हैं। एक तो मान्यता, तो ये मान्यता बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं बात, क्योंकि मान्यता मान्यता देव ने बीतका ले, मानते हैं उनके लिए सब कुछ है, नहीं मानते उसके कुछ नहीं। तो एक तो मान्यता, एक है विश्वव्यापी सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, पूरी दुनिया में एक ही बात है, वो सबके लिए, चीन वालों के लिए भी, जापान वालों के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, सबके लिए। और वो विश्वव्यापी सत्य जो है वो ये है कि मनुष्य के अंदर वो परमात्मा है। इधर ही नहीं, सभी देशों जहाँ जाते हो मनुष्य के अंदर है, और मनुष्य को पता नहीं है। तो इस मनुष्य को जानने के लिए ये योनि मिली हमको, कि मनुष्य योनि में आ जाते हैं, पैसा कुछ भी करते हों कर्म के अनुसार, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, और चाहे वो मजदूर हो, और चाहे चपरासी हो, सब के अंदर वही तत्व है। संतो एक आप जग माए, तो एक तो मनुष्य हो, एक होगी विश्वव्यापी सत्य। मैं आपको विश्वव्यापी सत्य की बात करूँगा, मैं आपको मान्यता पर नहीं छूँगा। मान्यता जो आप मानो मानो, ठीक है, जिस देवता को मानो, क्यों जो आप चाहोगे इच्छा करोगे वह चीज़ पूरी हो जाएगी। शक्ति आप में, मूर्ति में, गुरु पीर में नहीं है। अब ये का बात का प्रमाण क्या है मेरे पास? प्रमाण चाहिए ना, हर आदमी का प्रूव इट, प्रूफ करो भाई तो ये सत्य है। उसका प्रूफ ये है कि मैं काफ़ी दिन से काम कर रहा हूँ, कुछ संस्कार थे मेरे, गुरु जी के पास गया था, एक पाराश्रीय ब्राह्मण थे, स्टेशन मास्टर थे पंडित फकीर चंद जी पंजाब में हुशियारपुर में, तो वो पंडित फकीर चंद जी के पास गया, तो छोटी उम्र में मेरे को उस वक्त पहली लड़ाई के अंदर हम गए थे, तो सूबेदार की रैंक बड़ी होती थी, मेरे को बहुत जल्दी वह रैंक मिल गई सूबेदार की, दाढ़ी दूड़ी भी नहीं आई थी, तो वो जानता था रैंकों के बारे में।
तो जब मैं पहले गया उसके उनके पास तो कहने कौन भी तू, मैं कह दिया ऐसे ऐसे मैं आर्मी का सूबेदार हूँ, पर तू सूबेदार वहाँ जी, तो सोचा तगड़ा भी नहीं है और तो बच्चा सा नजर आता है, सूबेदार कहता अपना बात पूछ, बोले क्या बात है, ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या वजन के बारे में, बोले ठीक है दे जाके, बोले फिर तो अब तो मैं तो पर तो इनकार करिए और फिर बोले 10 बजे आ जाना, वो मेरे को कहने के 10 बजे गया, थोड़ी सी देर बैठा मैं और उनने कोई बातचीत करके मेरे को बोला, एक गुरु मेरे गुरु थे मूर्ति वाले, उनके गुरु एक महर्षि सूर्यदयाल थे, बोले ये मेरे गुरु थे मनुष्य शरीर में, जब ये मनुष्य शरीर में थे तो मैं इनके पास गया, जो कुछ मैं पूछता था जो कुछ मेरा काम हो जाता था, मैं जाता था मेरे सब काम, मेरी दुनिया बन गई थी, सब कुछ ठीक हो गया, कोई कमी नहीं रही, बाल बच्चे भी हुए, शादी करी, बच्चे भी हो गए, सब कुछ, और फिर बाद में वो जरे जब तक सब कुछ बता गया मेरे को, और ऐसे बता गया कि अभी मैं ध्यान में जाऊँ तो सर्वज्ञ बन जाता हूँ, परमात्मा ही का रूप, और आता हूँ तो मनुष्य रूप में काम करता हूँ। तो अगर इस मूर्ति के ऊपर कूड़ा करके डाल देगा कुछ आप शब्द बोल देगा तो ये मूर्ति तेरे को कोई नुकसान नहीं करेगी, मतलब मेरा तो सब काम कर दिया उसने और तेरे को कोई नुकसान नहीं करेगा, क्या समझा, मैं कुछ नहीं समझा, अरे मैंने उसको भगवान माना है तो मेरे को भगवान का गुण मिल जाएंगे परमात्मा के, और तू कुछ नहीं मानता तो कुछ नहीं माने तो देव नहीं भीत का देव, ऐसी बात कहे कि वो होका रख दिया और समाधि में चले गए। मैं 2-4 मिनट सोचता कि बात तो ठीक कही है इनने, तो उसी दौरान में मेरे को गदगदी हो करके यहाँ पर यह बच्चे का ताड़वा होता है टिप टिप करता है, यह आखिरी दर्जा है योग का कि जो आदमी हमेशा सदा अमर होना चाहता है उसका साधन यहाँ से चल के यहाँ आ जाता है। हमको दुनिया में बहुत सी चीज़ चाहिए तो उनका मैं बता दूंगा आपको बाद में, क्योंकि वैसे तो आप योग्य नहीं हैं तो सुनने के लिए आए हैं वो बात और नहीं मुझे बतानी चाहिए, पर मैं कह 92 साल का तो हो गया, दूसरा डॉक्टर कमला जी कहते हैं संस्कार तो दे दिया करें आप, बता दिया करें ये बात, तो मैं चलो ठीक है बता दूंगा, इसके कहने से मैं बता दूंगा ये योग सबका साधन। तो क्या हुआ कि मेरे यहाँ गदगदी होकर के और टेंशन ऊपर खींच गई, बड़ा गजब का आनंद आया कई देर तक, फिर जब वो होश पा के होका पीने लगे तो मैं जाके हाथ जोड़ी खड़ा, महाराज मैं ऐसे ऐसे सुन रहा हूँ, अवर्णनीय आनंद का अनुभव कर रहा हूँ, वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा, बोला इसी का तो नाम भजन है, इसी को नाम कहते हैं, ये तेरे अंदर ही है और ये जो हालत होती है इसको अनुभव कर लिया कर, चलते फिरते खाते कहीं भी, थोड़ी देर ज़्यादा मत करना, ड्यूटी फर्स्ट रिलीजन आफ्टर, पहले कर्तव्य का पालन पहले करना, जो तू काम कर रहा जो भी जहाँ प्रोफेसर है, और फिर बाद में जब फुर्सत होती है तो काम कर लिया कर, बहुत अच्छे 2-4 बात कह करके फिर और बात बता दी, 5-4 ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये करना वो करना, कुछ बातें बता के बोले मेरी बात मानता तो द्वारा आ जाना, नहीं तो मेरे पास मत आना, मेरे को तो उनको वक्त उनको सम्मान करने का पता नहीं था, गांव का तो आदमी था एक शेर एक जंगल में, फिर सूबेदार बन गया फौज में, सारे सलाम करते लोग बड़े बड़े अच्छी तरह से, जितने भी आते कोई बूट साफ कर रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई खाना खिला रहे हैं, इन मतलब गांव का आदमी था, थर्ड क्लास आदमी, और वहाँ पर इज्जत अफसर बन गया, इज्जत थी, तो मेरे को करना था, बहुत सलूट होती थी उस वक्त, इतनी सीखी हुई थी जयराम जी की, बाकी जो औपचारिकता अच्छी जानता नहीं था, नमस्कार प्रणाम, तो मैं ऐसे नीचा सर करके निकल गया, और जाने के बाद फिर मेरी पोस्टिंग होते होते मेरी बदली होगी, बदली जाकर मैं चला कोटा बूंदी चला गया, उधर चीफ इंस्ट्रक्टर बन गया पढ़ाने के लिए, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर था, और वहाँ से फिर मैं वो जो धार थी राम नाम की जो अनुभव हुआ था वो अनुभव मेरे को हमेशा रहने लग गया। तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा बात कर लेगा, इसकी कोई फिक्र मत करो, तुम काम करो ज़्यादा मत करा करो, तुम ज़्यादा नहीं करना इसका, नहीं तो तू छोड़ जाएगा, बैराग हो जाएगा, और तू नौकरी करना बहुत ज़रूरी है तेरे को, ठीक है। जब मेरे को कोई घटना बात होती खास तो छुट्टी लेके जाता था, और कहने का मतलब यह है कि वो नाम जो 1956 में अनुभव किया था वो अभी बैठा उसी में आपको बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो मेरा यहाँ पर था, अभी चोटी के अंदर विश्वास बार बार रहता है, और कभी उसमें चला जाता हूँ साल से तो मुझे ख्याल नहीं रहता मैं कहाँ हूँ, शायद चलते हुए तो उससे क्या क्या बात हुई, साबुत क्या हुआ कि वो जो मैं मेरा जो रूप है भी जगह जगह लोगों में प्रकट होने लग गया, जहाँ मैं जाता हूँ कोई दुखी होता कोई अपने गुरु का ध्यान करते करते मेरा रूप आ जाता है और उसको कहता है ऐसे नहीं ऐसे करो ऐसे करो, और वो फिर मेरे को कहते हैं मिलना चाहते हैं यहाँ भी दूसरे जगह से भी कि आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे से यहाँ मिलोगे कहाँ जगह नहीं है,
तुमको क्या तो खिलाऊंगा और कहाँ बैठाऊंगा, तो फलानी जगह आ जाना। तो इधर कुछ आदमी आए हुए हैं, मैं कहा दिल्ली आ जाना भाई, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वो दिल्ली वाले कुछ आदमी आए, अब जैसे कुछ इंजीनियर साहब बैठे हुए इधर, ये सूद सूद के सूद वो बैठे बूढ़े से, वो जो लेडी के पास बैठे, अब वो क्या करते थे, वो चाहते हैं पहले मेरे सत्संग सुने हुए, उनको प्यार है विश्वास है। तो मैं कहा इंजीनियर साहब आप ऐसे करो कि मैं दिल्ली आऊँ तो दिल्ली मिल लेना। अभी लड़कों के हाथ में बात है, मैं कहा सत्संग करा लो आप दो चार, पहले सत्संग कराते थे खूब, अभी लड़कों की मर्जी तो कराई नहीं कराई। मैं कहा लड़कों कह दो सत्संग में वहीं घर ही आ जाऊँगा, एक सत्संग रख देंगे और मैं करा दूँगा। अब लड़के तो कराई नहीं कराई, तो मैंने उनको कहा मिलने के लिए। फिर मैं आज भी बताया कि अभी आपको आने से तकलीफ होगी, क्योंकि मैं किसी दोस्त एक इंजीनियर के घर में हूँ और टेम्परेरी हूँ, थोड़ी देर रहूँगा, कोई खाने पीने का प्रबंध नहीं है यहाँ पर, उसके रिश्तेदार वगैरह आते हैं, बाकी कुछ नहीं, तो आप इधर के बजाय उधर करा लेना। अब वो फिर भी उसका मन करता था, वो अब मिलने के लिए इधर आए। इसी तरह दूसरी दूसरी जगह के कुछ आदमी को मैं बताता हूँ फलानी जगह जाना, वो मिल लेते हैं। तो साबुत क्या होया कि मेरा रूप जाता मेरे को पता नहीं, मेरा रूप काम करता लोगों का और मैं कभी जाता नहीं कहीं। तो बात हो गई कि नहीं, शक्ति किस में हुई फिर, जिसने प्रकट किया रूप उसमें ही ने, जो रूप प्रकट कर लेता उसमें ही। बालाजी का आप ध्यान करते हो और बालाजी का रूप आ जाता है, तो बालाजी मैं कहता हूँ जब मैं जीवता नहीं जाता तो किसका बालाजी आता है? आप बालाजियों के बालाजी हो, देवताओं के देव, उससे ऊपर हो आप, ईश्वर कौन सो, वो ईश्वर जो सबसे ऊपर है, सूर्य से परे जो एक लोक है जिसे सूर्य चांद बनते हैं, उसी से सब आप निकल के एक चिंगारी आए हो, एक किरण खेल खेलने के लिए आए यहाँ पर। तो अब ये शक्ति किस्में आप में, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि जो रूप रंग पैदा होते हैं वो आप पैदा करते हैं। राम का कृष्ण का देवी का शक्ति आप में है और आप इसके ऊपर ज्ञान नहीं आपको, आइए समझ साबुत क्या में बैठे हम जिंदा भी। तो मैं भी बात बताना चाहता हूँ, कल प्रश्न को बात बताई, एक सेशन दत्त साहब हैं यहाँ पर मेरे दोस्त, वहाँ पर जो सत्संग कराते हैं, तो मैंने बताई तुमने ये बात बताई थी, वो करने का बाद में करने का कैप्टन साहब ये ईगो आ जाती है आदमी के अंदर, करना नहीं चाहिए, वो फलाना नहीं करना चाहिए, पुराने ज़माने की आदत है और वो ठीक भी थी। पर अब मैं समझता हूँ कि विज्ञान इतना बढ़िया, आदमी का दिमाग बहुत तेज़ हो गया, अगर सच्ची बात नहीं बताई जाए तो उसको विश्वास आएगा नहीं। तो सच्चाई ये आप में हो सकती है, आपको अज्ञान है इसलिए आप दुखी हैं। अब आपको अज्ञान क्या है, तो अज्ञान कई तरह का है, मैं बता छोटा सा बता देता हूँ, जो रोज़ की हम गृहस्थी हैं ना, संत फकीर ही बात नहीं करता, मैं गृहस्थियाँ ही बात कर रहा हूँ। हम घर में रहते हैं, सास बहू बाप बेटा बेटी, मतलब दादा दादी तक रहते हैं, कहीं इसका दादा दादी नहीं होता, माँ बाप होते हैं, कहीं यहाँ माँ बाप भी नहीं होते, तो समझो कि बड़े बुजुर्ग हम एक परिवार होता है। अब परिवार में अलग अलग प्रकृति है लोगों की, तो हर एक आदमी सोचता है, सुबह से शाम तक सोचेगा, वो कोई एक विचार आया सुबह सवेरे आप उठे आज ये काम करना है, उस काम में लग गया, तब तक दूसरा आ गया क्या उसने कहा था ये काम करना, तीसरा विचार आ गया कब मैं फलानी जगह थी उसने मेरे को गाल काटी थी, उसने मेरे को अपशब्द बोला था, कोई आपका रिश्तेदार था आप चले गए, कोई या दूसरा था आ गया, अच्छा आपके मौका लगेगा मैं बताऊंगा उसको, ये करूंगी ये करूंगी ये करूंगी, या समझो आपकी लड़की का कोई सुसर सास है और लड़की आके शिकायत करती है कि माँ मेरे को दुख देते हैं, तो आप जब भोजन बनाने जाती हैं भोजन भी बढ़ाती जाती हैं साथ सोते हैं, अब कहने दो उसको आएगा ना, तो मैं कहूँगी तेरे ये से तू तो मेरी लड़की को ये करता है, मसाला मिलाती जाती है और साथ साथ वो विचार भी कायम काम करते हैं, आप समझे ना। तो विचार जो घटिया विचार आएगा ईर्ष्या द्वेष नफरत, वो विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं, चाहे अच्छा हो बुरा, जैसे प्राकृतिक तरीके से हम बोलते हैं ना और वो इंटरनेट पर जाता है ना हमारी आवाज़ धीरे से और फिर आता, तो प्राकृतिक तरीके से वो वहाँ चला जाता है, कहाँ ऊँचा ब्रह्मांड में किसी खास लहर से टकरा के उचित समय पर, उसका टाइम होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर वो वापस आता है। जब वो विचार वापस आएगा घर में, तो जो आपको गुस्सा कर रहे थे वहाँ पर, वो गुस्से का विचार आ जाएगा और वो गुस्से का विचार आपके मन के प्रतिकूल घटना घटाएगी। जो गुस्से से पाँच मिनट दस मिनट आधा घंटा सोचा, या दो दिन तक कई विचार पाँच दस दिन सोचते रहते हैं बुरा बुरा, निकलती नहीं दिमाग से वो बात, वो विचार जो घटिया होता है ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा, ये समझेंगे ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार अति, वो विचार चले जाता ऊपर और वो जब आता तो आगे कर्म बढ़ जाता और भोगना पड़ता है हर एक आदमी। घर में कोई इनको तकलीफ आती है, क्या तकलीफ,
अगर गुस्से से ज़्यादा देर सोचा किसी के प्रति, सास बहू ने सास बहू के प्रति सोचती है, तो वो विचार ऊपर जाएगा, जब वापस आए तो घर में आफत आएगी। क्या आफत? घर में कोई दुख, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा अचानक, गाड़ी टूट जाएगी, आप नहीं चाहते, दुखी हो जाओगे कि परसों तो लाए थे 10 लाख की, 5 लाख की राह टूट गई वो, या किसी का हाथ टूट जाएगा नहीं चाहते, कोई आदमी मर जाएगा नहीं चाहते, ये तो ये हालत होगी। फिर दूसरा, या कोई चोरी हो जाएगी घर में, आप दुखी हो जाओगे मेरे जेवर दे गया, मेरा रुपया ले गया ये, या और कुछ लड़ाई हो जाएगी घर में, आपस में अनबन हो जाएगी, मुकदमेबाजी हो जाएगी, आप नहीं चाहते घर में कड़े, यानी कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप दुखी हो जाओगे, या कुछ नहीं होगा तो कोई बीमारी लग जाएगी आपको ऐसी, जो डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर आपको टेस्ट करेंगे नॉर्मल, डॉक्टर पहचान नहीं सकेंगे, रोग होगा उसके वो और पहचान नहीं सकेंगे, रोग तो होगा आप, लेकिन डॉक्टर को मोतियाबिंद हो जाता है उस टाइम पर, आपका शुभ कर्म होता है, वो रोग नहीं पहचानेगा, वो लिख देगा नॉर्मल, और वो रोग जो है अंदर जैसे एक्सरे दिया उसमें कायम है, तो सब जगह घूमते रहोगे, वो इलाज नहीं होगा कई दिन तक। मतलब यह है कि जो घटिया विचार हैं ईर्ष्या द्वेष नाराजगी का, उसका तो फल जो है वो दुख है, और जो बढ़िया विचार हैं अच्छे विचार, मैं उसका ये करूँगा, उसको खुशी करूँगा, उसको कपड़े पहनाऊँगा, उसके साथ ये बात करूँगा, उमंग का हो, प्रेम का हो, उन विचारों से आपके मन के अनुकूल घटना घटेंगे। क्या अनुकूल घटेंगे? आपका बेटा कोई बहुत बड़ी नौकरी लग जाएगा, खुशी मनाओगे, लड्डू बांटोगे, या कोई मुनाफा व्यापारी हो तो बड़ा भारी मुनाफा हो जाएगा कोई, तो खुशी मनाओगे, या कोई आपको कोई किसी तरह का कोई अवार्ड मिल जाएगा आपके बच्चे को, राष्ट्रपति या कोई जैसे कोई बड़ा तकमा या बहादरी, उसे खुश होगे। मतलब या कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपका मन खुश होगा। अच्छे विचारों का फल तो है खुशी, उमंग, सुख, और घटिया विचारों का मतलब है दुख। और आते कहाँ से? बाहर से कहीं नहीं आते, यही क्रिएट करता है। इसको ज्ञान नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है, मनुष्य ईश्वर अंश है पर इसका ज्ञान नहीं है। जब सास बहू की कोई बात हो जाती है घरों में, आप बेटियाँ जानते हो, और आप जानते हो कि आपके घर के मैं भाई के साथ नाराजी होती है तो गुस्सा कर लेते हो, कई कहते मेरा भाई 4 साल से नहीं बोला, मैं 2 साल से नहीं बोला, तो नहीं बोलता वो अच्छा तो नहीं सोचेगा, सोचा इसका बेटा क्यों तरक्की करे, ये क्यों तरक्की करे, ईर्ष्या द्वेष करता मुझे। तो घटिया विचारों का फल तो है नेगेटिव का तो दुख, और बढ़िया का सुख। इस बात का ज्ञान नहीं आदमी को, विचार आता तो खेलते उससे, घटिया आएगा तो खूब मजा लेते, आपको मजा चखाएंगे उसको, ये करेंगे उसके साथ, ये करेंगे। ईर्ष्या द्वेष नफरत का विचार होगा उसका फल तो मिलेगा हमको दुख, और जो प्रेम का, खुशी का, सहायता का, उमंग का, दान का, किसे मिले खुशी। इस बात का ज्ञान नहीं है किसी को, किसी का मतलब क्या, एक्सेप्शन केस हो सकता है, कोई एक दो आदमी हो सकता है हज़ारों करोड़ों में से, बाकी आम जितना भी कोई करोड़पति सेठ को भी नहीं है, नाराज होगा तो लड़के पर गुस्सा कर सकता है, पत्नी को भी कह सकता है कि तुमने ऐसे ऐसे कराया, ऐसे गुस्सा करेगा, पत्नी भी कर सकती है उसमें, घरों में ऐसे होता है न। और फिर दूसरे, ये जो आप विचार करते हो ये हर घर में है, इस ज्ञान से अज्ञान है सबको, जो मैं बता रहा हूँ कि हमको गुस्से में नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, और जब वो उसका नशा आता है ना गुस्से वाला, उस वक्त वो दबा दो कहते 5-10 बात कह जाता है, नौकरों को कह जाता है, ऑफिसर जो हमारे थे आर्मी के वो भी ऐसे ही थे, अभी सिविल के ऐसे ही हैं, कलेक्टर भी ऐसे ही है कि जब गुस्सा उसको आता है तो वो सबॉर्डिनेट के साथ कड़ा बोलता है, वो कड़ा जो बोलता है उसका फल तो है दुख, उसको आएगा, कलेक्टर साहब को भी आएगा, जिसके लिए सोचता उसको आएगा, घर में हम गृहस्थी रहते हैं, सास को भी आएगा और बहू को भी आएगा, बाप को भी आएगा, बेटे को भी आएगा, ये दुख है बड़ा ग्रेट, और इसका ज्ञान नहीं किसी को, सब कोरे, सबका मतलब अगर पूरा ये गाँव ना अभी दिल्ली वाले पूरा दिल्ली करे मेरी बात सुन ले, सबके काम किए, सब इस रोग के रोगी, बात आई कि समझो आपको, अगर पूरी दिल्ली के आदमी सब सुन ली, स्वीपर भी सुन ली, वो भी मजदूर भी सुन ली, किसान भी सुन ली, ये भी सुन ली, और प्रधानमंत्री भी सुन ले, तो बिल्कुल काम दूसरा हो जाएगा, समझिए मेरी बात, ये इसका नाम है सत्संग में मिलेगा, और सत्संग में इसका ज्ञान मिलेगा और विवेक होगा कि सही क्या गलत क्या। ऐसे रामायण में एक चौपाई लिख दी गोस्वामी तुलसी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, कहता बगैर सत्संग के विवेक नहीं हो सकता आदमी को कि सही क्या गलत क्या, लेकिन बगैर उसकी परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग मिलेगा नहीं, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी,
आप सत्संग में चलोगे कोई तकलीफ आ जाएगी, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, कोई बड़े भाग्य हूँ तब सत्संग का कोई मौका मिलता है, आई नहीं समझ में। तो सत्संग से ज्ञान सत्संग में मिलता है। सत्संग के लिए कह गया है, चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। क्या मिलेगा सतगुरु की हाट में? ज्ञान और बुद्धि। इसमें जाएगा तो सत्संग के अंदर ज्ञान और बुद्धि देता है, जो ज्ञान बुद्धि देता है वो सतगुरु है और जो सुनता है वो सत्संगी। तो ज्ञान बुद्धि मिलेगी आपको कि सही है नहीं है। अगर मेरी बात आपने ये सुन ली समझ दिया तो आपको बड़ा व्रत कर जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण लिखते लिखते एक बात याद आई कि मैं बोलता हूँ उसका भी बुरा असर है, कड़ी बात कह देता हूँ कि मन दुखाता हूँ तो बुरा है। तब उन्हें लिखते लिखते कलम लिखा, अब हमें कहे ब कछु ठाकर सुहाती, नहीं तो मौन रहे दिन राती। व्रत कर लिया ठाड़ा कि अब जो बोलूँगा वो ये बोलूँगा जो सबको प्यारी लगेगी बात, नहीं तो चुप रहूँगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊँगा, ये व्रत कर लिया। अगर आप में जो कोई ऐसा तगड़ा बेटा कोई भाई ऐसा है बेटी और उसको दिमाग में आ गई कि आज से आगे मैं किससे नाराज़ नहीं हूँ, चाहे मेरी सास है चाहे मेरा पति कुछ भी कहे, मैं वो तो ज्ञान में है, मैं तो ज्ञान दे के आई हूँ, मैं नहीं बोलूँगी। व्रत कर ले कि मैं जो मेरे को 20 गाल काटे बोले जी एक दो और कह दो अच्छे लग रहे हो, सास भी कहेगी तो उसको एक दो और कह दो कि वो अच्छे लग रहे हो आप, दो चार प्रश्न हैं अच्छा लग रहे हो, वो ढीला हो जाएंगे बस, मतलब उस पर असर नहीं होगा। जब वो गुस्सा करता उसको गुस्सा नहीं आगे आगे से। ये ज्ञान अगर हो, ये अगर आपने गांठ लगा ली कि मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा, तो पहले बात सत्संग में ये मिलेगी, मन वचन कर्म से पवित्र हो। ये ध्यान दून बाद की बातें हैं। अभी जो जाते हैं गुरुओं के पास, चलो गुरु जी के पास नाम ले लो नाम ले लो नाम ले लो, और वो ध्यान कराया करो ध्यान कराया करो, वो कुछ नहीं करेंगे, उनके अंदर जहर भरे अपने दिमाग के अंदर, और ध्यान करेंगे तो जहर बढ़ता जाएगा, ईर्षा द्वेष बढ़िया वो बढ़ता जाएगा। तो इससे पहले सत्संग हो, काफ़ी सत्संग सुनने के बाद ध्यान करना चाहिए, ध्यान से पावर आती है, तक जो चिचाती है सिद्ध हो जाती है। पर वो होगी किसकी, कि जिसका मन साफ हो। अगर मन साफ नहीं है तो वो जो कूटला भरा वो बढ़ेगा। जैसे डॉक्टर कमला जी ने भी मिसाल दी है कि अगर आप गेहूँ को पानी देते हो और खाद देते हो तो उसके साथ जो बथुआ वो भी बढ़ेगा, घास है वो भी बढ़ेगा, और अगर घास को और बथुआ काट के फिर पानी दोगे गेहूँ को लगेगा और गेहूँ तेज बढ़ जाएंगे, इससे उसके अंदर से बाकी घास फूस काट देते हैं। इसी तरह हमारे जो दिमाग में घटिया विचार हैं उन घटिया विचारों को सत्संग से समझ करके व्रत कर दी, त्याग दी, अभ्यास करके और त्याग देंगे तो फिर बाद में ध्यान करोगे तो जो कुछ चाहोगे आगे वो होता रहेगा। ध्यान की अवस्था में बताऊँगा मैं कि क्या ध्यान। तो बात आपको समझ में आ गई, एक दुख बताया ही क्या, सुबह से शाम तक सबको विचार आते रहते हैं, सब राष्ट्रपति को विद्वानों को करोड़पति सेठ को सबको, और वो आते रहते हैं, कभी अच्छा आता है कभी घटिया आता है। जब घटिया आता है उसको गुस्सा करता है, और गुस्सा करता तो ईर्षा द्वेष का सब काम होता, और ईर्षा द्वेष होगी तो वो उसका घर के अंदर दुख आएगा। हर घर में ये दुख, कोई घर बचा हुआ नहीं इसमें। एक्सेप्शनल केसेस तो होता है, शायद को करोड़ों में सौ में से एक दो होता होगा, पर बात यह है कि जिसको नहीं आया। अब मैं बातें कर रहा हूँ खूब अच्छा जोर से थूक उछालता हूँ, तो पहले सवाल मेरा, क्या मेरे घर वाले सब ठीक हो गए, सबको ज्ञान हो गया इस बात का? वो सुनते नहीं, वो सुनने के लिए इतने चार नहीं आते। मेरी बहुएं पड़ी हुई थी, दो दो तीन तीन एमबीए कर रखे हैं, कोई टीचर है कोई लेक्चरर कोई प्रिंसिपल से, और जब कभी कभी इकट्ठा करता हूँ भाई आओ आओ तो दो चार बात सुन लो, तो वो सोचती कि बस जल्दी से चले तो ठीक है, यानी उनको सुनने की तबीयत नहीं आती। वो इतना अनादर नहीं करती, मैंने आपको बात तो मन सोचती कि क्या सुनेंगे, वो भी इस बात को सुनती नहीं, क्योंकि शुभ कर्म है, संस्कार ही नहीं है, समझे ना बात। तब मैं इधर आके दिल्ली में कलकत्ते में जाता हूँ, नहीं तो मैं घर गाँव वालों को दे देता सब ज्ञान कि सब दुखी हैं, पूरा गाँव दुखी है इसी बात से, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं। आइए समझ बात, अशुभ कर्म है। तो जिसके शुभ कर्म है वो कोई सत्संग में जाएगा, और वो जा करके कोई ऐसे आदमी मिलेगा उसको भला आदमी जो सच्चा ज्ञान देगा, और नहीं तो गुरु हैं वो कोई गुरुवाई के लिए ज्ञान देता है, कोई चेले बनाने के लिए देता है, कोई आश्रम बनाने के लिए देता है, कोई कुछ चाहता है कोई कुछ चाहता है, और रोज देखते हो फिर पकड़े भी जाते हैं पुलिस वाले भी जाते लिए फिरते हैं उनको, नहीं ज्ञानकार पुलिस का क्या ताल्लुक भाई, जो महात्मा है तो उसके पुलिस का क्या ताल्लुक, पुलिस हाथ जोड़ती फिरेगी सब सबके हाथ जोड़ेंगे महात्मा तो हो जाए, फिर महात्मा का मतलब कि उससे कोई ऐसे काम ही नहीं होता जिससे गलत काम करे वो। आइए मेरी बात समझ,
तो वो क्या है कि बजाय महात्मा का थोड़ा पैर लेते हैं जंगार, वो गलत काम करते हैं सजा मिल जाती है, अच्छा काम करते हैं जब तक फालती तरक्की होती जाती है, और जब घटिया करते हैं पकड़े जाते हैं। आई नहीं समझ में? आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो ज़्यादा ने बताया कि क्यों, मैं थोड़ी सी और बात बताना चाहता हूँ। अब एक बात बताइए, अब मैं चाहता हूँ सब, तो मैं क्या कर रखा है कि मेरे साथ कुछ अच्छे आदमी हैं, वो कहते हैं सत्संग करा दे, भाई सत्संग तो करा दूँ, पहले तो मैं ऐसे ही कराता था, भाई सुक्का को नहीं कराऊँगा, तेरे पास चार पैसे हैं क्या, 15-10 हज़ार रुपया भी खर्च कर सकता है क्या, हाँ बोले कर दूँगा मैं, तो फिर सत्संग कराता हूँ, मेरे जरूरत नहीं है तो किताब डालना, तो मैं तो दे नहीं सकता हूँ, वो किताब दिलाता हूँ आपको। अब यहाँ पर ये इंजीनियर साहब जो हैं ये बांटेंगे, 3-4 दिन से तो खाना खुआ रहा है अच्छी तरह से, और मेरे से सत्संग दिवा रहा है, और ये खुद करता है कि आप रह के सत्संग दो, तो लाभ किसको है उसको होगा, वो आपको ज्ञान दिलाना चाहते हैं कि जितने आदमी मेरे पास आए, मेरे भाई भतीजे रिश्तेदार पहले बुलाया इसने, वो भी पहले उनको बुलाना और उनको बाद में बुलाना और सबको बुला लेना, तो ज्ञान देना है, तो ऐसे आदमी होते हैं वो देगा, मैं बोलूँगा जितनी बात सबके सब आपको बुक दे दूँगा, पढ़े लिखे आदमी हैं वो इनसे दिला दूँगा मैं, ये देगा मैं नहीं दे रहा हूँ भाई, उसके अंदर 750 रुपया कट्टा है एक, और एक है कोई 6,000 का, तो एक कट्टा मैं कह रहा हूँ बड़े वाला बांट देना, ये कहता दो में दो नहीं एक ही बांट देना बड़े वाला, ठीक है ना, तो आपको बुकें देगा, पढ़े लिखे हो आप बुकों में पढ़ लेना इनको, इनको एक बार में नहीं समझाएगी आपको, 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, समझाएगी नहीं। दूसरी बात यह है कि कोई पढ़ भी नहीं सकता, जिसे पढ़ना नहीं आता फर्ज कर लो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सब आदमी रीड नहीं होते, कई आदमी पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगी, भैया मोबाइल बंद कर दो। मैं जयपुर गया था, उधर एक चीफ कमिश्नर था DG डायरेक्टर जनरल पुलिस का, और उसकी वाइफ मेरे पास आए तो आते ही मेरे पास बैठ गए, बड़े किताब तो पढ़ी, कैप्टन साहब कुछ बात पूछना चाहते हैं, दोनों ने मोबाइल बंद करके, जो मुख्यमंत्री के खास होते हैं बार बार में फ़ोन आते हैं, उसने बंद करके रख लिया, और एक घंटा पूरा मेरा सत्संग सुना। तो बहुत पहली बात तो मैंने ये बताई है, आपने अपने विचारों को ठीक करना, क्या करना, पॉजिटिव शिव संकल्प सुंदर सुंदर रखो, जैसे सोचोगे वैसे बन जाओ, जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। खेत में किसान जो दाना डालता है वही उगता है, गेहूँ डाला तो गेहूँ, बाजरा डाला बाजरा, और ईंख डाली तो ईंख, तो आप जो सोचोगे वही होगा। तो कैसे सोचना, अच्छा सोचना है, शिव संकल्प बदे वाला, और ये बात पक्की दबा लो और इसका व्रत कर लो, एक तो ये बात है, कोई दुख नहीं आएगा, और इससे सब पीड़ित हैं जो हम बैठे ना, सब में सब हम शामिल हैं, सब पीड़ित हैं, गृहस्थी है ना, तो गृहस्थ के मां सब की बात एक होती नहीं, स्वभाव एक दशा है नहीं, उल्टा पड़ा, तो क्या करना चाहिए, अपनी छोटा नुकता बताता हूँ भाई, न लोमण तेलो न राधा न से, न तो पूरा घर ऐसे बने सबका सब जाने, ये बात को समझें, और नहीं बसी शांति, तो क्या करें, आपके लिए रख लो, आप अपने लिए मत करो, आप किसी का दुख इच्छा बुरा मत चाहो, अपना भला चाहो, परिवार का भला चाहो, रिश्तेदारों का भला चाहो, पड़ोसियों का भला चाहो, मनुष्य मात्र का भला चाहो, कि मनुष्य मात्र को सुख शांति मिले। एक बात आपका मन साफ हो गया, अगर कोई आदमी कोटी है देख के चलो मत या दुख नाक मत सुखड़ा हो, वो समझ लो परमात्मा का खेल है, सब में परमात्मा है, मेरी बात समझ ली ने, कि ईश्वर से जीव है तो अब सब में परमात्मा है, ड्रामा कर रहा है, कोई खोटा कर्म कर रहा है, मनुष्य रूप में की खाज कर रहा है, बैठे बैठे कोटी बना बैठे, कोई लंगड़ा बना बैठे, कोई अशुभ कर्म है, बेचारे के बस की बात नहीं, बेचारे के बस की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि मर जाए खराब है, खराब मत मानो किसी को, जो हो रहा परमात्मा की लीला है सबके अंदर, तो विचार आपने सुंदर कर लो, आपकी दुनिया सुंदर बन जाएगी। बड़ी बात तो ये अज्ञान है, एक समझ जाने, ये अज्ञान तो मैं दोबारा इसे दोहराता हूँ, हम गृहस्थी हैं, सब बीमारी सब घरों में है, कितना शाना आदमी हो उसमें गुस्सा करता है, उस वक्त ईर्ष्या द्वेष का वो विचार होते हैं, और उससे तो घर में तकलीफ रहती है, सब घरों में तकलीफ है, कोई घर बचा हुआ नहीं, कोई 2 दिन खुश रहेगा, तीसरे नाराज होगा, किसी बहुरू से जाएगी, किसी की सास रूसी बैठी है, किसी का पति नाराज होया बैठा है, किसी का बेटा बैठा है, किसी की बेटी बैठी है, किसी के भाई भाई दोनों लड़ रहे हैं आपस में, भाइयों को पटती नहीं, बात नहीं करते रहे, कोई ज़िंदगी है, अरे 4 दिन की ज़िंदगी है तो वो क्यों क्यों करते हैं, उसकी बात मैं बाद में बताऊँगा, कि भाई भाई का दुश्मन क्यों होता है, इसका मैं आगे सत्संग में बात बताऊँगा आपको, अब टाइम तो बता दूंगा, नहीं तो किताबों में पढ़ लेना। तो पहला काम तो ये, दूसरा ज्ञान क्या है, बैटल पॉइंट बताऊँगा, बड़ी छोटी बात नहीं बताऊँगा, एक के लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, मनुष्य जाति को उधर से लेकर टापू लेके चीन जापान से लेकर के नीचे आगे तक चले जाओ, या अरब देश वगैरह वगैरह, अमेरिका अफ्रीका सब देश होंगे, जितनी मानवता है सबको ये तकलीफ है,
सब विचार करते हैं, कोई अच्छा विचार का फल अच्छा, घटिया का घटिया, विचारों पर कंट्रोल नहीं। और जिसको इस पर आ गया वो तो कोई बड़ा बहुत अच्छा आदमी बन गया। तो यहाँ तक की बात है। दूसरा ज्ञान इसको ये है कि है क्या बोलने वाला, क्या है इसके अंदर ये बोलने वाला, आता कहाँ से, जाता कहाँ है, खेल क्या है, ये मनुष्य है क्या, यानी अपने आप को जान ले कि मैं हूँ क्या, ये बोल क्या रहा है, इसकी शक्ल क्या है, रूप क्या है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, बस सब पूरी सृष्टि का ज्ञान आपको हो गया, कोई शंका वगैरह नहीं रहेगी। अपने आप को जान लिया, पूरे ब्रह्मांड को जान लिया कि वो क्या होता है, क्यों, कि वो आपकी खोपड़ी जो है यहाँ से नहीं देखा आँखों के ऊपर, इससे ऊपर इस खोपड़ी के अंदर पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो काम इसके अंदर है, पिंड के अंदर। और जब आदमी जान लेता है फिर उसको कोई शंका नहीं, तो क्या हो जाता, वो कोई डर नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं होती, कोई कमी नहीं होती उसके पास, किसी बात की कमी नहीं होगी, जिस हालत में मस्त है उसमें। फकीर जो फकीर होते हैं बहुत बड़े ऊंचे, वो एक छोटी झोपड़ी रखते हैं मामूली, और उसमें मस्त होते हैं, बड़े बड़े लोग दाग माथा टेकते हैं उसको, संतुष्ट होते हैं वो अपने आप। तो जब अपने आप को जान लोगे तो आपको शिकायत रहेगी नहीं, सबकी बात ही रहेगी, सब परमात्मा नजर आएगा, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा खूब हुआ। ये हिंदू कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, यार उस एक परमात्मा के अंदर सब कुछ है। तो फिर आपकी नज़र वैसी हो जाएगी ऊँची कि देख करके नाराजी नहीं, सब में वही वही नजर आएगा, वहाँ विटनेस बन की देखोगे, गुआवा शामिल नहीं होगी केस में। और यह जीवित मुक्त अवस्था है, अरे मनुष्य जीवित मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकता है। कैसे मैं कह रहा हूँ भाई, मैं औरों की तो कहता नहीं हूँ, मैंने इसको कोई 90-95 पहले तो 80-85 रहता था, अब 90-95 रहता हूँ इस अवस्था के अंदर। सिंह पूछ मुझे कोई आया नहीं, सिद्धि मेरे में कोई है नहीं, अब इस हालत में रहता हूँ। साथ में ज्ञान रहता है कि मैं मुक्त हूँ, कोई तरह का बंधन नहीं मेरे को, जब ज्ञान है तब, कब तक, जब तक उसको अनुभव कर रहा हूँ, वो राम नाम मेरे अंदर गूंज रहा है, आपके अंदर सबके अंदर वही है। आपको ये कैसे कह रहे हो आप, ऐसी बात थोड़ी है, मैं कहता हूँ है। चलो एक बात और देता हूँ, इसका उदाहरण देता हूँ आपके ऊपर ही, सबको सांस आता है, बैठे भी सांस लेते हो, खाते भी सांस लेते हो, सोते भी सांस लेते हो, भागते भी सांस लेते हो, और सांस नहीं रहेगा तो राम नाम सत्य है, कभी सांस ही गूंज दो भाई, देखते डॉक्टर गई लड़ी, चलो आई समझ, सबके पास ये बात है, यही बात ज्ञान की है। वो ज्ञान तो मैं कहता हूँ मैं नट हूँ उसके साथ, आप भी वैसे हो सकते हो, क्यों चीज़ आपके अंदर है सब कुछ, वो परमात्मा तो आपके अंदर है, बोले वही है। अनुभव करने की बात है, जो जागने के उसको जगाने के लिए या अनुभव करने के लिए इसका तरीका है ध्यान योग का। वो ध्यान योग का तरीका क्या है, मैंने दो बात बताई आपको समझिए, पहले एक तो ज्ञान आपको ये बताया है कि आपको सोचते क्या हो, घटिया सोचते हो जब तो आपका वो कर्म घटिया बन जाएगा, और बढ़िया सोचते हो बढ़िया बन जाएगा। और इसका ज्ञान नहीं है किसी को, अगर किसी को पूछते क्यों, मेरा तजुर्बा है, पहले राष्ट्रपति के पास में रहे हो 2 साल राजेंद्र प्रसाद ने क्या है, फिर 1.5 साल फिर रहे हूँ, फिर बड़े बड़े आदमियों के साथ रहे हूँ, सबके 2-2, 3-3 PhD कर रखे, वो प्रोफेसरों जाके यूनिवर्सिटियों में सत्संग देता हूँ, तो उनको देखता हूँ वो भी ऐसे ही आई नहीं समझ, तो मेरे समझ आ गई, तो ज्ञान में सबका ज्ञान है, अगर इनको ज्ञान हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान को दूसरा मैंने बताई बड़ी चीज़, मनुष्य को अपना पता नहीं, और तो सबको जानता, वो सब दुनिया की बातें जानता, सब सीख जाता है, ज्ञान सीख जाता है, ज्योग्राफी सब सीख जाता है, विज्ञान ज्ञान सब कुछ जानता वो, लेकिन अपने आप को नहीं जानता। तो शक्ति तो इसके अंदर है, अपने आप को नहीं जानता, यह ज्ञान अलग है, इसको अध्यात्म कहते हैं, आत्मा परमात्मा समधि ज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। इस ज्ञान से ऊँचा कोई ज्ञान नहीं है, ये जितने ज्ञान उसके नीचे नीचे सब, ये सबसे ऊँचा है। अगर एक मामूली सा आदमी है और वो उसको ये ज्ञान हो गया तो वो मस्ती आनंद दे रहा है, और वो जब शरीर छोड़ेगा तो उल्टा नहीं आएगा, उसको अनुभव होगा उल्टा नहीं आएगा, वो अपने घर चले जाएगा जहाँ से आया, सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो आप अमर हो सकते हैं जीवते हुए, अगर आपको इच्छा बन जाए तो मनुष्य रूप में आप अमर हो सकते हो, वापस नहीं आओगे। पर कब, जब आप यहाँ से थक गए हो, जब तक स्वाद है स्वाद लो खूब, मनुष्य शरीर मिला, मैं वो नहीं कहता हूँ तुम सब महात्मा बन जाओ, ये ना स्वाद लो जिंदगी का, खूब काम खेल करो, अच्छा सुख दो सुख लो खूब, और जो चाहे तो स्वाद दे तो स्वाद आता है, जियो आनंद लेते रहो, और जो स्वाद आना बन जाओ तो कुछ नहीं है, तो जिंदगी सभी दुखी है। जैसे कबीर साहब ने जान लिया कि भाई शरीर धारण करके तो कोई सुखी नहीं रहता, तो उन्होंने एक शब्द कहा, तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया हो,
उदय की बात कहता हूँ सबका किया विवेक, सुबह शाम की बात कहता हूँ सबका विवेक कर लिया, घाटे बाद दे सब कोई दुखिया, क्या गिर ही बैरागी हो, कहते थोड़ा थोड़ा सभी दुखी हैं, कोई गृहस्थी भी और बैरागी भी सब, और साथ कहूँ तो कोई नहीं मान रहा झूठ का ने जाइयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई, कहता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिन ये दुनिया रहती है वो भी दुखी है, ऐसे कर कर आगे आखिरी कड़ी में उसने कहा कहीं कबीर सुनो भाई साधो संत सुखी मन जीती हो, संत एक गति है, वो एक मामूली हो सकता है, एक मोती भी हो सकता है, एक क्या कहते हैं किसान भी हो सकता है, एक डॉक्टर भी हो सकता है, एक आईएएस आईपीएस भी हो सकता है और एक राजा भी हो सकता है, क्योंकि सबके में वो चीज़ है, वो जो चीज़ है चपरासी में वही चीज़ तो आईएएस में वही सब गुण है इसके अंदर, तो अगर वो होना तो वो अपने कर्म से चपरासी है और वो आईएएस बन गया, और फिर अगला जन्म जब घटिया होगा तो वो नीचे चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, कर्म गति से हम जन्म लेते रहे जाते रहे, अरे जन्मों से दुखी हो गया कि आखिर जन्म ले कि कोई सुखी तो नहीं है, वो आदमी फिर सदा के लिए अमर होने वाली बात करेगा, उनका साधन फिर मैं बताया ना वो खोपड़ी में इधर से चल के यहाँ करके यहाँ से चोटी तक आ जाएगा, तो ये साधन है क्या, योग है क्या, इसके बारे में बताता हूँ आपको, आप पूछने नहीं आए हो, माफ़ करना आप पूछने नहीं आए हो, मैं बता रहा हूँ वैसे, तो इसके लिए यह है कि आपका ये जो टीकी लगाते हो इस जगह ध्यान को इकट्ठा कर लो, यानी एनर्जी नीचे तक फैल रही है ना सब जगह, उसको आहिस्ते से करके इधर इकट्ठी कर लेते हो यहाँ पर, इसको योग कहते हैं, वो योग का मतलब है हर एक काम के साथ जो काम करते हो योग से वो काम होगा नहीं तो नहीं होगा, पर मैं उस योग की बात कर रहा हूँ कि आप अपने आप को जान जाएं मैं क्या हूँ, आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, योग तो सब है, आप सब्जी योग से बनाओगे, अगर योग नहीं है तो पहले आपको ध्यान नहीं करा, एक बार नमक डाल दो दोबारा वो डाल दो खाई नहीं जाएगी, मिर्च ज़्यादा डाल दोगी फिर शीशी करेंगे लोग, बिल्कुल नहीं डालोगी वो स्वाद नहीं आएगा, वो भी ध्यान से बनाया जाता है, लिखते पढ़ते वो भी ध्यान से लिखो पढ़ो, नहीं लिखा जाएगा कुछ लिखा जाएगा, सब काम दुनिया का ध्यान से होते हैं सभी, पर ये मैं उस ध्यान की बात कर रहा हूँ जो आप अपने आप को जानना चाहते हो, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, इधर किस लिए क्या सिद्धि मिलेगी, इधर यहाँ जो इकट्ठा होता है दुनिया की क्या चाहता है चीज़ वो मिल जाएगी उसको, दुनिया की चीज़ मानी मकान दुकान हाट हवेली संतान वगैरह क्या चाहते हो दुनिया का माँ मोटी चीज़ देख सकते हैं वो आपको मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, आप ध्यान करोगे इधर एकाग्रचित करोगे, आहिस्ते आहिस्ते चाहे देवी का ध्यान कर लो चाहे राम का बना लो, चाहे देवी को बना लो राम को बना लो कृष्ण को बना लो कोई मोहम्मद को बना लो, जहाँ विश्वास एक रूप बना करके इकट्ठा कर लो, एक टारगेट होना चाहिए, अगर ये रूप नहीं बनाते हो तो भी मिल जाएगा, तब क्या जिस चीज़ को चाहते हो उसको रखो सामने, अगर कोठी बनाना चाहते हो तो विचार करो कोठी का, तो मैं अच्छी कोठी बनाऊँ मेरी कोठी बन जाए, नेता बनना चाहते हो मैं नेता बनूँ, आईएएस तो कई लड़के कहते हैं आईएएस बनो तो आईएएस का दिमाग मेरे तुम्हारा और कुछ नहीं आए एक सिर पर एक सौदा, तो वो ध्यान करने से इधर इकट्ठा करने से आपको जब घंटे की आवाज़ आती है मंदिर में बड़ा ताली बजाने से घंटा बजा के बजाना प्रवेश कर गया वो टाली की आवाज़ आएगी टर्न 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 घंटा बजता है, हिंदू का भी कोई मर जाता है तो पीछे से घंटा बजाते हैं अगर किसी ने योग साध्या हो तो, वो घंटा बजने लग गया पीले रंग का प्रकाश आ गया या इष्ट की मूर्ति आती है चली जाती है आती है चली जाती है तो समझो आपका ध्यान बन गया, अब क्या सिद्धि आ गया आप में, आप जो सोचोगे वो हो जाएगा, अगर नाराज़ हो कि बुरा सोचोगे तो तकलीफ हो जाएगी, सास का बुरा सोचोगे तो सास बीमार हो जाएगी, पति का सोचोगे तो पति बीमार हो जाएगा और अगर पत्नी का सोचो पत्नी बीमार हो जाएगी, यानी ज़बरदस्त चोट है वो, शक्ति आ गई ना आपके ध्यान में, नफरत करोगे तो तकलीफ हो जाएगी और अगर चाहते हो अच्छा तो अच्छा हो जाएगा, मतलब किसी का भलाई चाहते हो तो भलाई हो जाएगी, पर जो पंडित पुरोहित थे सिद्ध पूछते थे वो ध्यान करते थे तो ध्यान करके वो पंडित जी वारिया चीज बताओ बताते थे ऐसा ध्यान में इकट्ठे होकर, अभी कई लोग आँखा देखते तो आँखा हमेशा उगड़ते नहीं, एक दो दफ़े उनका मन इकट्ठा हो जाता है और बात सही हो जाती है, फिर लोग जाते हैं फिर वो प्रेज करते नहीं और इसे वो दोबारा होता नहीं, सट्टा मारते हैं फिर आधिक बातें हो जाए होना होती है अधिक नहीं होना ऐसे मार देते हैं, ध्यान के अंदर वो शक्ति है, तो आपके ध्यान में पहला ध्यान करते हो इष्ट का राम का कृष्ण का कोई इष्ट बना लो कोई, और ध्यान करने की जगह जिधर आप टीकी लगाते हो इधर और इस जगह पर आप आँख बंद करके और इसको ध्यान करते जाओ, नाम उसका कोई नहीं कोई नाम ले लो, जब हिंदू तो राम 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 कर लो, कोई जय श्याम कर लो, कोई ओम हरे कर लो, कोई ओम ओम कर लो, जैसे मुसलमान अल्लाह हु कर लेता या अल्लाह हु ऐसे बोल लो, अलग अलग नाम
वो नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति आपके विश्वास में है जिसने आपको बताया, और उसको रटने से इसको कहते हैं ध्यान और सुमरण। तो ध्यान करने के लिए तो उस चीज़ का ध्यान कर लो, और सुमरण कहते हैं उसको याद कर लो जो चीज़ चीज आते हो, तो आप में सिद्धि आ जाएगी। दुनिया की चीज़ चाहते हो तो इधर ध्यान करो, कोई भी इष्ट की मूर्ति बना लो, राम को, कृष्ण को, कोई जीवित गुरु को, और वो ध्यान करो। शक्ति आप में, किसी गुरु में, मूर्ति में नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये बात, इसलिए कह रहा हूँ मैं नहीं जाता जीवता जागता, जगह जगह मेरा रूप प्रकट होता है, तो कौन जाता है? वो आप में वो शक्ति, आपको पता नहीं। और जो महात्मा जो आश्रम बनाए बैठे वो बताएंगे नहीं, क्यों बताएंगे? तो लोग भेंट चढ़ावा नहीं देंगे, मैंने कोई भेंट चढ़ावा तो लेना नहीं आपसे। मेरे गुरु जी ने कहा सच्चाई बता देना मेरे बेटे बेटिया ज्ञान में सब, उन्होंने मुझे बोला कोई सेवा, कहने तेरे लिए सेवा, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ वो बता देना। मैंने पहले तो पता नहीं था, तो मैंने समझ आई उस दिन से मैं करना शुरू कर दिया काम, 1962 से काम कर रहा हूँ। तो पहला स्थान किसका है? सिद्धि का। कि सिद्धि संसारिक चीज़ मिलेगी आपको पहले स्थान से, ये समझो कि राम मिल जाए, राम नहीं मिलेगा। अगर राम का ध्यान करो तो राम प्रकट हो जाएगा आपके इधर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो मिलने वाली चीज़ आगे है। फिर अगर कोई चीज़ की रिसर्च करते हो, खोज करना चाहते हो, तो फिर इधर ध्यान करो ओम के स्थान पर। ओम का बिंदु होता है, वहाँ मन को इकट्ठा करो माथे के बीचों। इधर ध्यान करते करते तो आपका ध्यान बढ़ जाए, उस वक्त क्या पहचान होगी उसकी? उसकी होगी कि वहाँ पर ओम की ध्वनि आएगी, जैसे हम हैं हिंदू हैं तो उनको ओम ओम नजर आ जाएगा, ध्वनि आ जाएगी। कोई मुसलमान है अमीन अमीन आ जाएगी, या बादल गड़गड़ गड़गड़ाहट आ जाएगी, या नगारे बाजते जाएंगे दम दम दम, ये तो नारा बाजेगा। और लाल रंग का प्रकाश आएगा, पहली जगह तो पीले रंग का प्रकाश है, दूसरी लाल रंग का प्रकाश आएगा। लाल रंग का प्रकाश इसलिए आता है, जोर लगाते हैं ध्यान को इष्ट को इकट्ठा करने के, तो जोर लगता है, नस बहुत नाजुक है, ये सब लालाई आ जाती है, वो लाल भाजता है, इसका ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए, साक्षात कर लो आगे चले जाओ। इन मतलब प्रकाश का, लाल रंग का प्रकाश का ध्यान करोगे जबरदस्त सिद्धि आ जाएगी, और फिर वो आपका बैलेंस बिगड़ने का डर है, छोड़ नहीं सकोगे आप। तो इतना सिद्धि के लिए कर लो ये ध्यान, कि वो चीज़ जानना चाहते हो जान जाओगे। कैसी चीज़? जैसे किसी का आदमी गुम हो गया कहीं, 2 साल होगी, और वो लेडी चाहती है, उसकी माँ चाहती है कि भाई मेरा बेटा कहाँ गया, या भाई चाहता कहाँ गया, तो पूछने के लिए जाते हैं महात्मा के पास। जिस महात्मा का यहाँ ध्यान बना हुआ है वो एकाग्र होगी, बोले फोटो दिखा कैसा है वो देख के फोटो ध्यान कर बैठ जाएगा, और उसको पता चल जाएगा फलाने रंग के मकान में अब फलानी जगह बैठे फलाने गाँव के, और वो कह देगा अच्छा भाई आ जाएगा, जाओ आ जाएगा, और वो आ जाता है। कौन बुलाया? आपने उस लोन पर जा करके उसको धक्का दिया, रहे तेरे घर में तकलीफ है, याद दिला दी उसको, और वो फिर दिला जाता है। या चाहते हो ब्रह्मलोक में क्या होता है, विष्णुलोक में क्या होता है, तो विष्णुलोक सामने आ जाएगा। सपना देखते हो नहीं? सपना तो नीचे की चीज़ आती है, ध्यान से जानबूझ के आपके में ताकत है, क्योंकि आप इंसुलेंस हो, तो जो ध्यान करेगा वो तो कोई भी रिसर्च मेडिकल की, राजनीति की, या क्या कहते हैं व्यापार की करनी है, तो अरे वो जैसे व्यापारी है, अरे कोई ध्यान करना आता है, वो सोचता है मेरा व्यापार कैसे ज़्यादा बढ़िया बने, कैसे मैं करोड़पति बनूँ, क्या करूँ, तो ऐसे करते 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 उसको एक युक्ति सूझेगी कि तुम इस चीज़ का व्यापार कर लो, तुम्हारे बहुत वारेदार हो जाएंगे। अचानक जैसे ग्वार पहली मंदे भाव का था, एकदम भाव बढ़िया, अर्जुन के पास ग्वार था, मालदार बन गए वो, जल्दी लाखाना आदमी बन गए। तो इसी तरह से जो व्यापारी है उसको आगे फोरसाइट आएगी, बिजनेस फोरसाइट सूझेगी कि ये काम करूँ मेरा व्यापार बढ़ जाए। तो ध्यान में शक्ति तो दुनिया का काम भी है और आगे का, पर मैं आपको अध्यात्म की बात बता रहा हूँ, चैन की, शांति की। शांति के लिए फिर क्या है कि आप शांति चाहते हो, ध्यान करते हो तो ठीक है, फिर आप आगे जाना चाहते हो दुनिया से ऊपर, ऊपर की तरफ, ऊपर जब जाओगे यहाँ से थोड़ा सा ऊपर, तो इधर आपका मन काम नहीं करेगा, और चाँद जैसी चांदनी आ जाएगी, चाँद जैसी चांदनी आ जाएगी, और सारंगियाँ जैसे शब्द आएगा, सारंगी बजती है ना तार के ऊपर, वो शब्द आएगा, तो आप समझ लेना कि आप इस आस्था में आ जाओ। सुन है वो, उसका नाम सुन भी रखा है, तो उसका नाम ब्रह्म भी रखा है, सबल ब्रह्म भी रखा है। तो उस जगह से पहुँचने के बाद में आपको मस्ती रहेगी, कोई चिंता फिक्र नहीं होगा, कोई डर भय नहीं होगा, बेफिक्री खुशी रहेगी, और काम करते रहोगे। नशा, गुरु नानक देव जी इस नशे का नाम बताया है, रातें पी नानका उतर गई प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, वो हमेशा चली रहती मस्ती खुशी। तो वो आपका माथे के बीच है, थोड़ा सा ऊपरी देर चाहते हो तो पहले यहाँ पर आ जाता है, आपको जगह से मस्ती खुशी आ गई, और
मस्ती खुशी के बाद फिर जब ध्यान करोगे तो आगे एक ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ सब अंधेरा होगा, पर वो आपके लिए है नहीं, ठहरना नहीं। तो वहाँ से क्या करो, प्रकाश की इच्छा रखो सफ़ेद रंग का, तो आगे चलोगे प्रकाश आएगा सफ़ेद रंग का ज़बरदस्त, पर याश आएगा फिर ज़बरदस्त आ जाएगा। और ब्रह्मचर्य का सब्जेक्ट है, अगर गृहस्थ भोगते रहोगे तो नहीं आएगी चीज़। भाई जब बाल बच्चा पैदा एक दो तीन कर लिया, उसके बाद पति पत्नी दोनों परहेज करो और ये ध्यान करो, इसमें वो जो आनंद है ना डेढ़ मिनट का गृहस्थ में, उससे लाख गुना ज़्यादा आनंद आएगा आपको। आनंद में चूर रहोगे, ये ब्रह्मचारी मस्त में रहते, आनंद में रहते, और वो आनंद आपके अंदर है, उसमें कुछ करने की बात नहीं है, वो मस्ती कुछ बनी रहेगी, सोचोगे वही होता रहेगा। तो ये यहाँ पर ईश्वर दिखे प्रकाश, ये ईश्वर है, इसी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा क्रिएटर। और इसके थोड़ा सा ऊपर जैसे चढ़ेगा यहाँ पर, तो आपको सैकड़ी सूर्य जैसा, जैसे सौ सूर्य हो गए इस तरह दिखाएगा। तो सौ सूर्य तो कोई नहीं उधर, आपके जो ब्रह्मचर्य का जो जीवाणु है मनुष्य के रूप का, वो जो वो सब नजर आइए, एक जीवाणु एक सूर्य जैसा आएगा और जबरदस्त मस्ती खुशी रहेगी। यहाँ जाओगे महात्मा बन जाओगे, योगी बन जाओगे, आश्रम बना लो, सोचोगे वही होगा, जो कह दोगे वही चलेगा, वचन सिद्ध हो जाओगे और उसी में। पर फिर शरीर छोड़ते वक्त वापस आना पड़ेगा आपको, आगे आगे नहीं गए तो फिर अच्छी धोनी दोगे, अच्छी तरह आ जाओगे, आना पड़ेगा। अब सदा के लिए आप जाना चाहते हो कि अमर रहना चाहता हूँ, उन आदमियों के लिए आगे फिर और क्या है, उन आदमियों के लिए आगे है इस जगह ध्यान करना। ये बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता है यहाँ पर, यहाँ जब ध्यान में पूछोगे तो प्रकाश वगैरह खत्म हो जाएगा, प्रकाश के जून से आगे है ये जून है ना, शरीर का जून अलग है, ताकत मन की तोड़े देखो आप इधर बैठे कलकत्ता घुमाओ घूमे तो हर मन से सब जगह चक्कर लगा लेते हो, तो मन की दौड़ ज़्यादा है, और जब आगे चलते हैं आत्मा की उससे ज़्यादा है। तो प्रकाश आत्मा स्वरूप ही है और वो आपके अंदर सब के अंदर है, वो आपकी ज़िंदगी है सबकी। और वो अगर आपको प्रकाश आता है उस प्रकाश के अंदर आ जाएगा, प्रकाश नहीं आएगा यहाँ पर खत्म होगा, वहाँ पर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या है, इसको कहते हैं राम नाम है श्री तो बात ही है, उसको आजकल शब्द कह देते हैं, कोई सार शब्द कह देता है, कोई सत शब्द कह देता है, कोई नाद कह देता है, कोई अनद कह देता है, महात्मा ने लगे नाम बता रहे क्या अंधकार करे। पर चीज़ है कि वो बयान तो आती करी नहीं जाती, वहाँ नहीं वह लिखने में आती, लिखने में आती मैं पहली किताब में लिख देता हूँ, अगर लिखने में बात आती तो मैं पहली किताब में लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने कोई लेना तो था ही नहीं, मेरे को तो गुरु जी की आज्ञा थी, दुनिया की चीज़ मुझे सब प्राप्त है, खाने पीने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, पैसे लेने की मुझे जरूरत नहीं होती है, यहाँ जाता हूँ सेठ साहूकार मेरे साथ रहते हैं कि हमें इतना खर्च कर दें, बाहर नहीं होते साथ ही होते हैं वो करने के लिए, तो मैं पहले भी लिखता, लिखने में नहीं आती बात ही, वह अनुभव का सब्जेक्ट है। अब मैं कहता हूँ मैं तो बैठा उसको टिका हूँ और वो आजकल इधर सुनता हूँ चोटी के बार बार, यहाँ पर मस्ती लेता हूँ, अब शायद समाधि में बैठे हूँ, आप नहीं सुनते आप नहीं मानते। तो उनके लिए है कि जो जानना चाहते हैं वो फिर आगे चले जाओ और वो इसके आगे चलेंगे, इस जगह से लेकर के जो टिप टिप करता है बच्चे का ताड़वा चोटी तक का जो साधन है सफ़र है, इस सफ़र का नाम अगम कहते हैं, अगम मानी जिसका किनारा ही नहीं आए, और जब वो किनारा आएगा एकदम तो आपकी वो हालत होगी जो गहरी नींद हो जाती है, बैठे बैठे सो जाते हो ना फिर कुछ वास्ता आ गया, गहरी नींद में चले कुछ दिखता तो नहीं, एकदम ऐसे चले जाओगे समाधि लगी। वो श्रुत की शब्द की श्रुत कौन सी बोल रही ईश्वर इसकी, और वो शब्द जो सुन रहा है उसमें मिल जाएगा, मतलब अगर ये बूंद है तो पानी के वहाँ मिलेगी समुद्र के वहाँ, बूंद अगर टोपा है गिलास में मिल गया तो पता तो नहीं चलेगा पानी पानी हो गया, अरे वो प्रकाश है तो वो प्रकाश में मिल जाएगी किरण, बस फिर उसके बाद सब, क्योंकि आपका शरीर प्रारब्ध कर्म बाकी है, फिर आप वापस आ जाओगे योग से है ये, वापस आओगे आके देखो ये बात है, फिर वो कोई गुरु जी से आपको ज्ञान मिल जाएगा कि तू बैराग में रहे और तू दुनिया को देखता रहे विटनेस बन के, ये सब लीला प्रभु की है, सब प्रभु खेल रहा है, परमात्मा खेल कर रहा है, वो एक है या अनेक बन के खेल रहा है, सूर्य एक है और वो अनेक किरणें बन के यहाँ पर खेल खेल रहा है, क्रिएशन कर रहा है। तो फिर उसकी दृष्टि क्या हो जाएगी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर समय जलवा तेरा वो आदमी को देखता हूँ तो परमात्मा ही सब केंद्र है, सब केंद्र वो खेल खेल रहा है, उसको कोई बुरा भला नहीं दिख रहा है, कोई क्या काम कर रहा है जान है इसका कर्म का चक्र वो भोग रहा है, वो दिखा रहा है, वो कोटी बन रहा अभी इसमें वही अंश, अरे किसी के अंदर IAS बना बैठा, किसी में पंडित जी बना बैठा, किसी में गुरु जी बना बैठे, मेरे सच्चा बैठा भाषण दे रहा, और कोई आप जैसे सुन रहे, सब खेल उसका है। संतो एक आप जगमाई दूजा कर्म ब्रह्म कृतम जूंदरपणी चाहिए, वो एक है और यहाँ पर आके अनेक में खेल खेलता है, जैसे सूर्य देखो ना मिसाल है, सूर्य एक है और उसकी किरणें देखो सब जगह कितनी किरणें आती, वो सूर्य वाला काम वो करती है, अगर सूर्य यहाँ आ जाए तो क्या होगा,
सब कुदल की बसम, और वो कुल माले कर यहाँ जाएगा तो क्या होगा, सब सूर्य चांद वगैरह सब सिमट जाएंगे, खत्म। आई नहीं समझ बात? तो वो अपने रूप माँ की खेलता, तो आप ईश्वर हंस हैं और यहाँ पर खेल खेल ना रहे लेके प्रारब्ध। तो यहाँ तक की बात को कोई सकाया भी आपको समझिए। आगे ही बात यह कि इस जगह जो भी हम आए हैं अभी इस श्लोक के अंदर, किसी खास मिशन को लेके आए हम, मिश्र क्या कोई काम करने के लिए आए हैं, वो क्या है कि हम यहाँ कर्जा लेने देने के लिए आए हैं, कितने रुपया दिया है पहले फर्ज को दिया को नहीं उसने, तो अभी इससे आगे अरबों रुपया उगाही करेंगे आपको, तो किस रूप में आगे रुपया देने के लिए, कोई तो दमाद बन के आ गया, घोड़ा नचाता है नाचता है, आप भर देते हो सोने की थाली, वो दूसरा घाल देता है, लड़के देते हो हाथ छाती लगते हो और सगियों को देते हो समझियों को देते हो, हज़ारों रुपया खर्च कर दोगे, वो देने देने का चक्कर था। वह लड़की जो थी वो आपके कुछ मांगती थी, खूब रुपया ले गया अच्छी तरह से, और दूसरी को थोड़ा देते हो कि उसको दिया हुआ नहीं है, लेने देने का चक्कर। फिर कोई चोर बन के आ जाएगा आपको, कोई भाई बन के आ जाएगा, कोई तो सुख देगा और कोई दुख देगा, कोई सास बन के आ जाएगी जो आपको तंग करेगी रोजाना के, बस यही सीखिए माँ कर, ये या कितने काम कर लूँ, ताना मारेगी बार बार में, समझेगी नहीं, वो लेने देने के लिए आई, सास नहीं है वो, कोई पिछले जन्म में आपने उनको तंग करी हुए, वो तंग करने के लिए आई, इधर बदला देने आते हैं, उत्तर ढींका तेरी बारी, अब का ढींका मेरी बारी, बच्चे छोटे होते हैं गाँव में खेलते हैं ऐसे, एक नीचा होता तो ऊपर आ जाता है और फिर दूसरा चाहता दूसरा ऊपर कर लेता है, तो बदला देने के लिए आते हैं इधर। तो हम यहाँ पर जो आए हुए हैं कुछ चुकाने के लिए आए, कुछ लेने के लिए आए, कोई बेटा बन के आया, कोई बेटी बन के आया, कोई भाई बन के आया, कोई भाई बन, ये जो देश है कर्जे का है, कर्जे का लेन देन का खाता पूरा करना रहे सब, समझे नहीं बात? इसका सत्संग अलग है तो मैं ज़्यादा इस पर जोर नहीं, मैंने आपको इस श्लोक में सुखी रहने की बात आई है कि आपके विचारों में शक्ति है, आप जितना सुखी रह सकते हो रहो, सुंदर विचार रखो, शिव संकल्प, घटिया सोचो ही मत, घटिया आएंगे विचार, काट दो उसको ज्ञान की अग्नि से, ज्ञान से काट दो। और ये मैंने बात आई आगे जाने वाले योग की, ये तो आखिरी जब आप जाना चाहते हैं सदा के लिए दुनिया से भर गया जी आपका, तो बुद्ध की तरफ जैसे बुद्ध भाग गया था ना ज्ञान लेने के लिए, तो आपने भी औरत को छोड़ गया, बच्चे को छोड़ गया, राज को छोड़ गया था, ऐसा कोई आदमी उसके लिए वो ज्ञान, हम तो स्वाद आ रहा है इधर, अब मेरे को कह कर मैं क्यों आन ले रहा हूँ 92 साल की उम्र में, क्यों को मैं सदा ले जाए परमात्मा, पर अगर ये ज्ञान मुझे रहा तो मैं आऊँगा नहीं, अगर अंत समय यह रहा तो आऊँगा नहीं, बस मेरी जी बराबर है, अजय मैं राजी हूँ, मर्जी है उसकी भेज दो, सरेंडर कर दिया कि मेरा अपना कुछ है ही, तेरी मौज है काम कराना तो और भेज देना, और काम करूँगा खूब, सब जगह किराया ही नहीं, गुरु जी ने कहा था सब दुनिया का देश तो बाकी रह रहे हैं अभी, मैं तो भारत में ही नहीं कर सका सब जगह, आप समझे हो ना, तो मेरे को कोई बात की बात नहीं, उसकी मर्जी है, उसकी रजा पर हूँ, कोई दुख नहीं, कोई सुख की मर्जी है, पर मेरे को ज्ञान रहे अंत में, अरे कोई शक्ल नहीं आई सामने, केवल वो जो अनुभव कर रहा हूँ वही शब्द आया, तो वापस नहीं आऊँगा, ज्ञान ये, लेकिन दावा नहीं कोई भी, दावा करना गलत है, क्यों, वो तो उसकी मर्जी है, परमात्मा की लीला कौन जान सकता है, तो ये लिखते नहीं, ये हो जाएगा, ये परलय हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, वो अज्ञान है, उनके अंदर वो इष्ट मानते हैं, वो बताता है उसको क्या हो जाए, उसका मन ही बताता है, वो ईश्वर नहीं बताता है, जो रूप बनाते हैं वो सोचते हैं वो परमात्मा, परमात्मा नहीं है वो, जब मेरा रूप बना लेते हैं लोग, मैं परमात्मा नहीं हूँ, परमात्मा वो है अंश, वो बना देता है मेरा रूप, तो सिद्धि आप लोगों में है और सब कुछ है, और इसके लिए इस लोक का कायदा है गिव एंड टेक, इस हाथ से दे दो इसे ले लो, गिव एंड टेक, इस हाथ से दो इसे ले लो, क्या ले सुख चाहते हो, सुख दो किसको, हम महात्मा तो कहते हैं मानने दो नहीं, जो आपके घर में 5-4 आदमी उनको दो, वो लेने देने के लिए आए हैं, अपनी सास है ससुर है या ज्ञान, ज्ञान क्या मैं ज्ञान थोड़ा देता हूँ, पहला गुरु आपके माँ बाप हैं, गुरु माता गुरु पिता, जो माँ बाप को नहीं मानेगा कुछ नहीं, गुरुओं की बात सुनबो करो चाहिए कोई लाभ नहीं होगा, जिसके माँ बाप घर में जीते हैं सुबह उठ करके चरण स्पर्श करो, उसका बदला हम दे ही नहीं सकते, अभी बात कर रहा था बदला तो दिया नहीं जा ही, वो कहता तन मन धन गुरु को अर्पण करूँ फिर भी बदला नहीं दिया जा सकता, तो माँ बाप को बदला नहीं दे सकते, तो आप में कितने बेटे हैं जो सुबह उठ के अपनी सास को या माँ को जहाँ होती चरण स्पर्श करती उठ के सुबह सवेरे, कितनी के भाई, नबी जी ने खड़े कर दिया, कांता ने कर दिया खड़े फोल्डर को एकदम, तो नबी जी नहीं है इसका मतलब सब कुछ है यहाँ पर, ऐसे आदमी हैं अभी, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ, तो पहला काम आपका सुख चाहते हो कुछ चाहते हो तो माँ बाप का कर्जा उतारो, गुरु माता गुरु पिता, बूढ़े हो जाते हैं तो उनसे नफरत मत करो, उनको अच्छा कपड़ा पहनाओ, अच्छा पहनाओ, अच्छा खुआओ, अच्छा पाओ, और फिर अच्छी तरह रखो, जो सेवा करो शरीर से सेवा करो, और पूछ लो माँ माँ के खाएंगी तो कोई चीज़ लाऊँ या तेरे लिए
मैं कोई चीज़ ला के दूँ आपको, पिताजी पिताजी बताओ कोई चीज़ लाऊँ, कोई पेन और डब्बा चीज़ ला के दूँ, ऐसे पूछो, उनसे आशीर्वाद मिलेगा, अपने फूलूंगी। किसके आशीर्वाद लेना, उससे माँ के ले लो, माँ बाप से, माँ बाप से लेते हैं दुर्शीस, वो बैठे कूटते रहते हैं बेचारे, देखो मैंने ये मेरे पूछता नहीं, मेरे को ये नहीं करता बग नहीं, तो वो विचार ऊपर जाते हैं, तकलीफ लेके आते हैं घर में। तो पहला दोस्त पितर, पितर पितर बड़े पितर तो जिंदे बैठे इधर चले गए, उसको तो मालूम नहीं, जो जिंदे बैठे उनको तो क्या करना चाहिए, बूढ़े आदमी आपके ससुर हैं सास हैं, पहले भोजन बना के तैयार, बच्चे उठा दो, माता जी लो पहले उसको भोजन भेज दो, भोजन कर लेगा वो, कोई आंत्या आई कहीं से माता जी ने दिखा दो पहले, अच्छा बांट दे भाई राजी हो जाएगी, मेरी भू मेरे को दिखा करती, मतलब आशीर्वाद घर में लो, चैरिटी एट होम। अरे दान घर से शुरू होता है, तो हम घर में देते हैं दुख, तो सुख किसको दो, अपनी माँ बाप पहला गुरु, उसके बाद अपना परिवार जो आपके साथ लगे हैं उनको, रिश्तेदार जो आपके पड़ोसी, आप सुख दो, आपको सुख मिलेगा, गिव टेक, दुख दोगा किस तरह से दुख मिलेगा, जो देंगे वही मिलेगा, बाप खेत किसान पाएगा वही हो कि नहीं। तो कबीर साहब ने इसको समझाने के लिए इतना ही शब्द कहा कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खा, इतनी बात में लिख दिया कि तुमने बोए तो बबूल और चाहते हो आम कहाँ से लगेंगे, बबूल के बबूल लग गई, दिया तो लोगों को दुख, खर्चाते हो सुख, तो अगर मेरी बात देती है तो अन्य सुख दूंगा, मैं एक व्रत कर लो ठाला कि आज से आगे मैं सुख दूंगा, जितना घर का आदमी माँ ने बाप ने भाई ने कि जो दुख नहीं दूंगा, मेरे वजह से कड़ी बात नहीं बोलूँगा, होगी सेवा कर दूंगा, जैसा हो ठीक है ना, ये आपका भाव बन गया तो सब कुछ हो जाएगा। आप घर में रहती हो बेटियाँ, लक्ष्मी हो घर के अंदर, कोई रिश्तेदार आया आदमी तो कहीं गया काम पर, बोले जी जी चाह बंडी पी के जाओ, दोपहर को गए चाह बंडी पी के जाओ जी, चाह बनाई है, वो राजी होगा, अब खाना भोजन थी करके जाओ, कहाँ करोगे भोजन, तो भोजन कम नहीं पड़ेगा आपके स्टोर में और आ जाएगा, वो जाता जाएगा, सोचेगा देखो कितनी अच्छी है, मेरे को मम्मी ने ये किया वो किया फलाना करा ये किया वो किया बढ़ाई, ठीक है ना। तो इसे गृहस्थी का धर्म है कि गृहस्थी के पास कोई ऐसे आ जाए तो हाथ ऐसे कर दिया जाए। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं ये बात आपको बताना चाहता था कि पहली बात तो हम इस लोक में आए, ये लोक है हमारा पीछे का लेने देने का, तो लेने देना करते जाओ तो देना राजी राजी, हाया मत करो, अगर कोई लड़का कहा नहीं मानता तो समझो कि लड़का नहीं है, कोई कारण और था, मैंने जो पैदा कराया उस वक्त मुझे ख्याल नहीं था, ऐसे हो गया पैदा, आ गया ज़बरदस्ती और लेने देने के लिए आया, अरे तो कह नहीं मानता तो फिर कूड़ो मत, फिर उसको राजी करके काम चला लो, जिंदगी देने के लिए आया, कोई धोखा देना है तो धोखा लो, और फिर आगे का कर्म बढ़ाना चाहती हो तो अभी अच्छा सोचो, अब जो बाओगे ना पहली तो भाई बहुत फसल काटनी पड़ेगी, अब जो बाओगे वो आगे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसकी बताई थी, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा काम करो, अच्छा व्यवहार करो, कोई बात नहीं, परमात्मा आपके अंदर है, अज्ञान का दुख है, वो दो ज्ञान बता दिए मैंने, एक तो सुबह शाम तक सोचते क्या हो, आपको अज्ञान है, आपको नहीं सब दुनिया को, मनुष्य जितने आदमी सबको अज्ञान है। दूसरी बात, आपको ये पता नहीं बोलने वाला क्या है, कहाँ से आता है, और तो जान ली सब चीज़, ग्रामर व्याकरण ये वो जीव विज्ञान सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन अपना पता नहीं कि बोल क्या रहा है, कहाँ से आ रहा कहाँ से, अपना पता कर लिया, अपना पता करने के लिए वो है मुक्ति का मार्ग, ये बताया मैंने, साधन कर लो तो तसली हो जाए आपको। मैंने आपको बात बता दी, ये कोई दुख दर्द वाली चीज़ नहीं है, अपने घटिया विचार हैं और पीछे का अपने कर्म हैं, तो राजी राजी काटो, हाया करने की जरूरत नहीं, आपको ये ज्ञान आ गई कि मैंने कोई भी दुख दिया होगा, दुख दे रहा बस बात, माफ़ कर दे उसको, वो नशे में, और घर के माँ घर को सुरुख बना लो, सुरुख में जावा सुरुख में जावा, पूरे ही घर है ना, इसमें सुख नाम सुरुख का है, घर वालों को प्यार करो, सबको एक को देख के खुशी हो, एक को देख के खुशी हो, चार आदमी हो, और आप देखते मुंह सुझा लेते हो, कोई तो ऐसे बैठे रहता है, कोई गुस्से में बैठे रहता है, कुड़ता रहता है कुड़ता रहता है, बेचार ऊपर जाता रहता तकलीफ नहीं कहता, और दूसरा सदा के लिए अमर होना चाहता, अगर ये सोच लिया कि दुनिया में कुछ नहीं है, सब कुछ भोग लिया आपने खूब, जब तो वो आगे का रास्ता लो, नहीं तो इधर स्वाद लो, और वहाँ अच्छा अच्छा घर, अच्छा घर मिले, अच्छा घर मिले, लड़कियाँ ये सोचें, लड़के ऐसे ही सोचें भाई हमको अच्छा मिले, अच्छा काम मिले, मैं अच्छा काम करूँगा, करूँगा बहन को बेटियों को बुलाऊँगा, जैसे आज इसने बुलाया, इंजीनियर ने बुलाया, अपने भाई बेटियों सबको बुलाया इंजीनियर, तो ऐसे को सको मैं ऐसे करूँगा, साल में एक दो दफे यज्ञ कराऊँगा, सत्संग कराऊँगा कुछ, और सबको बुलाऊँगा, बुआ भतीजी सबको बुलाऊँगा, सबको कुछ दूँगा, किसी को कपड़ा दे दिया, किसी रिश्तेदार को कुछ दे दिया, मतलब सबको देने का नाम यज्ञ हो जाता है, समझे ना आप, और साथ साथ ये ज्ञान दिवा रहा है तो इसी का यज्ञ बन गया, वो चीज़ दुनिया की चीज़ भी साथ साथ इसने ज्ञान दिया है आपको, ज्ञान दिवाने का नाम सबसे बड़ा है, ज्ञान से आप मुक्त हो जाओगे, ज्ञान मिलने के बाद सदा के लिए मुक्त हो सकते हो आप, वापस आपने आए वहीं जा सकते हो।